पपीता यार, इसमें बहुत सारे पपीते लगे हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्यन अनुपम व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग रहने वाला है आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे, आज बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग रहने वाला। आज जा रहे हैं हम नानी के घर, यानी कि अनुपम के नानी के घर। मैं तो कभी पहले गया नहीं हूँ और मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, और मुझे ये अलग ही एक्साइटमेंट है कि वहाँ पे गाँव वगैरह जो भी सारी चीज़ें होंगी वो देखने की मुझे अलग ही एक्साइटमेंट है। और बाकी आज हम लोग जा रहे हैं नंगल बांध, जो नंगल बांध है, नंगल जो डैम है वहाँ भी जाने वाले, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एक सीनिक व्यू है उसको देखने के लिए। अनुपम बचपन में बहुत ही बार वहाँ गई है इसलिए मेरा मन किया, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे भी वहाँ जाना है। और बाकी आज मौसम बहुत ही ख़राब है, आज है संडे तो मैं सुबह रेडी हो गया हूँ। अभी अनुपम माता जी वगैरह सब रेडी हो रहे हैं, फिर आज से मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ भी मुझे एग्जैक्टली रोडों का मालूम नहीं, और थोड़ा अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन भी करवाना है, तो वो काम वो वीडियो कल आएगी। आज गाड़ी को वहाँ छोड़ेंगे शाम को, अभी फ़िलहाल हम घूमने जा रहे हैं। तो आगे की जो भी अपडेट रहती है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल आर्यन अनुपम ब्लॉग में। यदि आप नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़ अभी हम लोग मेन रोड से बनी से जा रहे हैं नीचे नानी जी के घर। सो गाइज़ ये मेरे पीछे का व्यू कुछ, एक्चुअली गाइज दिस इज द वाइब ऑफ यू नो विलेज। आई डोंट नो भी कितना रहा है बट, लेकिन जो एक विलेज की वाइब है दैट इज़ ऑसम यार, क्योंकि आपको पता है गांव गांव होता है भाई। सो फाइनली गाइज हम नानी जी के घर पहुंच चुके हैं। आप पीछे का एक वेदर चेकआउट कीजिए। और सो गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हम लोग नानी के घर में पहुंच चुके हैं गाइज, इतनी अच्छी वाइब्स है क्योंकि इधर उधर पूरा गांव है भाई, और नानी जी यार अकेले रहते हैं यहाँ पे। और अभी आपको नानी के घर ले चलते हैं, ऊपर आइए, चलो आओ हमारे साथ, चलिए आइए। तो गाइज जो पहले के घर थे ना यार वो रियली ओल्ड इज गोल्ड जिसको बोलते हैं ना, वो रियल फील जो यहाँ होता है ना। यहाँ जूते खोल दूँ, अभी अभी जूते उतारते हैं यहाँ पे, आपको पुराने टाइप की सीढ़ियाँ दिख रही होगी, कितनी सही लग रही है ना यार, है ना गाइज। फाइनली आपको ले चलते हैं नानी जी के किचन में। हर नानी जी हमें चाहे बना रहे हैं अभी, कोई शर्माई चाहिए नहीं, कोई शर्माई। सो गाइस दिस फील अमेजिंग, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और बाकी नानी जी अभी चाय बना रहे हैं, माता जी भी यहाँ, अनुपम भी है, और बाकी आप देख रहे हो कितना सही है यार गांव पे। खाई नहीं आए।
नानी जी ने सत्संग के ही रखे हैं बाबा जी पीछे। नानी की सास ये मतलब दादी माता जी की। अच्छा सो गाइस आप पीछे देख रहे हो बाबा जी। ये मेरे सासू माँ जो है उनकी दादी जी। सो गाइज इट्स टाइम टू से गुड बाय। अब हम नानी के घर को यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। नानी भी हमारे साथ आ रहे हैं। हम नानी ने चाय बनाई और खाना हम पहले से खा के आए थे। फोन आपके अंदर होगा या मम्मी के बैग में होगा। तो अभी नानी वगैरह रेडी हो रहे हैं तो उसके बाद हम जाएंगे आगे डैम देखने। देखिए यार यहाँ पे जो वाइब्स थी पीसफुल और पूरे इधर उधर भाई चारों तरफ घर है या वो आपने देख लिए होंगे और मेरे पीछे देखिए। तो फिलहाल हम तो यहाँ से निकल गए हैं। माता जी और नानी जी पीछे आ रहे हैं और बाकी आप यार अभी मौसम बिल्कुल खिल चुका है। आपका दुपट्टा नीचे लग रहा है। यहाँ पे छोटा सा मंदिर है वो मैं बताता हूँ आपको फ्रंट कैमरा से। ये है छोटा सा मंदिर। या नानी वगैरह भैंसे बांधते थे। अब नहीं इनके पास भैंसे। यार घर बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे है। सो गाइज आपको पीछे एक छोटी क्यारी दिख रही होगी। ये नानी जी की क्यारी है शायद। और बाकी आप चेकआउट कीजिए इधर उधर सारे घर ही हैं। और बाकी अभी थोड़ी देर में यहाँ से अलविदा लेते हैं और फिर चलते हैं आगे डैम देखने। बाकी तब तक यहाँ जो आसपास विजुअल है वो मैं कैप्चर करता हूँ और बने रहिए इसी तरह से मेरे चैनल पे। और जगह का नाम क्या बताया था आपने? बनी। बनी नहीं कह रही आप बोल रहे थे। बनी मेन जगह का नाम है जहाँ पे रोड है और वहां से बस आपको हाफ किलोमीटर नीचे उतरना है आधा किलोमीटर नीचे उतरना है। कहरुई है गांव का नाम। कहरवा कहरुई कुछ ऐसे करके। क्या है ये? अरे यार गाइस पपीते। तो गाइज ये है पपीते का पेड़। देखिए कितना बड़ा पपीता लगा है यार इसमें। मैंने इतना नज़दीक से पहली बार देखा पपीते का पेड़। बाकी कई बार देखा है बट ये देखो आप कितना बड़ा पपीता है यार। इसमें बहुत सारे पपीते लगे हैं। सो गाइज अब करते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पे। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तब तक के लिए बाय।